स्वामी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371187 7325052437। क्या सुशासन क्या कुशासन, लोगों ने चारा घोटाले में सजाया आपका लालू प्रसाद को जमकर कोसा, लेकिन सुशासन में भी यह सिलसिला जारी रहा। नमस्कार, मैं हूं निधिशा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। क्या चारा घोटाला, क्या सृजन घोटाला, अब तो कोरोना घोटाले के साथ साथ पोस्टमार्टम घोटाला भी हो गया। लोगों ने सब के नाम पर करोड़ों का किया वारा न्यारा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले ही कोरोना जांच में बड़े घोटाले की बात सामने आई थी। अब स्वास्थ्य विभाग में एक और बड़े घोटाले की बात सामने आई है, जिसमें पोस्टमार्टम घोटाले का नाम करार दिया गया है। मोबाइल पर बात करते हुए छात्र ने की खुदकुशी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर जिले के पर्वती काली मंदिर के सामने सुरेश मंडल लॉज में एक छात्र के खुदकुशी कर लिए जाने की मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक मारवाड़ी कॉलेज में BA का छात्र था। मृतक सुनील कुमार बुद्धूचक के बरोहिया गांव का रहने वाला था और पर्वती के लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। दोस्तों के मुताबिक कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल पर बात करते हुए सुनील ने फांसी लगा ली है। माझी का तेजस्वी पर मगही वार, अपन टेटर देखे ना दूसर के खुनसी निहारे। बिहार में तरह तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। कोरोना जांच में फर्जीवाड़े के बाद CM नीतीश और एक खास अफसर को कड़कड़े में खड़ा कर दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया है। CM नीतीश को मंझधार में फंसते देख सहयोगी जीतन राम माझी सामने आए और माझी ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने CM नीतीश को बताया झूठा, कहा मुख्यमंत्री ने सदन को भी गुमराह किया। बिहार में तरह तरह के फर्जीवाड़े सामने आते ही भद पीटने के बाद नीतीश सरकार ने एक्शन लिया है और लाज बचाने के लिए सिविल सर्जन समेत कई अफसरों को नाप दिया है। कोरोना जांच में फर्जीवाड़े की बात CM नीतीश और एक खास अफसर को कटकड़े में खड़ा किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने CM नीतीश पर बड़ा हमला तेज कर दिया है। परिवार को बंधक बनाकर भीषण डाका, महिलाओं के साथ की बदतमीजी और मारपीट, आक्रोशित ने सड़क जाम कर काटा बवाल। अभी एक खबर नालंदा जिले से आई है, जहां बीती रात बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दी। घटना नगर नौसा थाना क्षेत्र के सकड़ौड़ा पुल के समीप की बताई जा रही है, जहां दर्जन भर हथियार बंद डकैत धनंजय प्रसाद के घर में घुसकर हथियार के बल पर परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर 9 भर सोने के गहने और करीब 3 लाख रुपए नगद को लूट ले गए। वाह रे पटना पुलिस, चावल व्यवसायी को 2 महीने बाद भी नहीं ढूंढ पाई, परिवार की गुहार, मुख्यमंत्री एक बार तो मिलने। 8 दिसंबर 2020 नौबतपुर के अपहरित चावल कारोबारी बंधु राकेश गुप्ता, आपको बता दें कि ये अब तक 63 दिन हो चुके हैं, पुलिस के हाथ अब तक खाली है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। अस्पताल परिसर में उपद्रवियों ने की आयुष डॉक्टर की पिटाई, मचा हड़कंप।
खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां रेफरल अस्पताल में दुर्घटना के शिकार हुए एक शख्स के साथ आए उपद्रवी तत्वों ने ड्यूटी में तैनात आयु चिकित्सक डॉक्टर जयराम की जमकर धुनाई कर दी। आरोप है कि नशे में धुत होकर आए उपद्रवी तत्वों ने चिकित्सक के साथ मारपीट की है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। पटना में अर्धसैनिक बलों के नाम पर करोड़ों के घपले की थी तैयारी, बिठाई गई थी जांच। बिहार में घोटाला कोई नई बात नहीं है, अब तो कोरोना जांच में भी फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। इस फर्जीवाड़े में बिहार की प्रतिष्ठा देश भर में धूमिल हो रही है। सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार बैठे हुए हैं और फर्जीवाड़े आम बात हैं। अब पटना में ही एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है। कोरोना घोटाले में सिविल सर्जन को शो कॉज नोटिस, आरा, अररिया और शिवहर में भी गड़बड़ी, प्रधान सचिव ने डीएम से मांगा जवाब। बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर गड़बड़ी सामने आने के बाद नीतीश सरकार की नींद उड़ गई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में सरकार के त्वरित कार्रवाई करते हुए अफसरों को सस्पेंड किया है। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन और चिकित्सकीय पदाधिकारी को शो कॉज किया गया है, जहां तहां गड़बड़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगी जा रही। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।